छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थित जंगल सफारी में जानवरों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, यह वही जंगल सफारी है जिसका 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं वन मंत्री महेश गागड़ की अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया गया था। अगस्त के महीने में 35 काले हिरणों की मौत हुई है। पिछले साल डॉक्टरों की लापरवाही से 17 चौसिंगा मारे जा चुके हैं, लेकिन इन बातों के लिए जिम्मेदार जंगल सफारी के डॉक्टर राकेश वर्मा को तमाम तरह के आरोप, जांच और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश के बाद भी वन विभाग ने हटाया नहीं। हालात यह है कि एक के बाद एक जानवरों की मौत को जंगल सफारी के अधिकारी लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर में 17 चौसिंगा की मौत के बाद जब यह मामला विधानसभा में उठा था तो पता चला कि आरोपी चिकित्सक जानवरों की मौत के सिलसिले के बीच लिखित में मना करने के बाद भी छुट्टी मनाने चले गए थे। कूट रचना, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने, जमानत पर रिहा होने की जानकारी छुपाने जैसे तमाम आरोप इस डॉक्टर के खिलाफ जांच में सही पाए गए थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस डॉक्टर को हटाने के निर्देश दिए, लेकिन राज्य के वन मंत्री से कथित रूप से करीबी होने की चर्चा के बीच आरोपी चिकित्सक के खिलाफ अब तक कार्रवाई करने से वन विभाग पीछे हट रहा है। 17 चौसिंगा की मौत के मामले में वन विभाग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर 2023 को चौसिंगा की बीमारी की सूचना देने के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जंगल सफारी नहीं पहुंचे। इसके उलट वे अगले दिन 10:30 बजे जंगल सफारी आए। जांच दल के अनुसार अगर समय से जानवरों का इलाज शुरू किया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर राकेश वर्मा द्वारा लापरवाही बरती गई। चौसिंगा की मृत्यु की जानकारी भी डॉक्टर राकेश वर्मा ने जंगल सफारी के संचालक को नहीं दी, इसलिए मौत का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। अब 35 काले हिरणों की मौत का मामला चर्चा में है। इसमें भी डॉक्टर राकेश वर्मा पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। बावजूद इसके यह समझना मुश्किल नहीं है कि राज्य का वन विभाग इन मामलों में आरोपी के साथ खड़ा है। कम से कम जंगल सफारी में होने वाली जानवरों की मौत की परवाह तो उसे नहीं है। शासन को चाहिए कि तत्काल ऐसे अधिकारी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे ताकि छत्तीसगढ़ की शान समझे जाने वाले जंगल सफारी में इस तरह हो रही जंगली जानवरों की मौत का सिलसिला रोका जा सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।